हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, दीप इंडस्ट्रीज की ओर से सितंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। अनऑडिटेड, स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर एंडेड का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें तो इस बार का इनकम है 137.7 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 134.3 करोड़ का, लास्ट ईयर में 110.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज चल, इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, जो कि गाइज और ये हुआ गाइज अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम अगर देखिए 7 करोड़ का ही ओनली हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 10.8 करोड़ का हुआ था, जो कि इस बार बहुत ही कम हुआ है, जिसके कारण कंपनी का टोटल इनकम में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। और एक्सपेंस हुआ 86.4 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, 85.2 करोड़ का लास्ट ईयर में, 73 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51.2 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 49 करोड़ का, लास्ट ईयर में 37.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 41.5 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 38.7 करोड़ का, लास्ट ईयर में 29.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 6 रुपीज का, लास्ट क्वार्टर में 5.79 रुपीज का, लास्ट ईयर में 4.61 रुपीज का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर, इनकम प्रॉफिट में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। शेयर की बात करेंगे, 439.9 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट आते ही कंपनी का शेयर ने बहुत बुरी तरह से क्रैश किया था, उसके बाद वापस से कंपनी रिकवर करने की कोशिश की। क्लोजिंग सजेस्ट कुछ मिनट पहले कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे रिकवर किया और 439.95 रुपीज पे शेयर क्लोज किया। 1.9% का प्रॉफिट दिया है, 5 डे में 4.7% का लॉस है, 1 मंथ 1% का प्रॉफिट है और 6 मंथ में 52% का प्रॉफिट है। कंपनी ओवरबॉट जोन में था, लेकिन अब यहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है 25 अक्टूबर को, क्योंकि अगर हम बात करें गाइस तो 14 अक्टूबर के बाद से, लेकिन अब यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। तो गाइस, यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है और अब देखना ये कि कल कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। तो हम लोग वीडियो को प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।